जिले के सफाई कर्मियों ने आज जिला कचहरी में सिर मुंडाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बारे में सफाई कर्मियों ने बताया, सूबे के मुख्यमंत्री भी सर मुंडाकर रहते हैं, इसलिए हम भी सर मुंडाकर प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी 11 सूत्री मांगे हैं जो केंद्र व प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। सफाई कर्मियों ने सबसे पहले अपनी मांग बताई कि उन्हें पदोन्नति की अभिलाषा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी पदोन्नति करनी चाहिए। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके सिर मुंडाने के आंदोलन पर भी सरकार नहीं मानी तो 1 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे और वहां प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार सफाई कर्मियों की इन मांगों पर क्या निर्णय लेती है। इटावा से संजीव कुमार, SKH न्यूज। आप लोग बैठ जाइए भैया। क्या आपने चांद क्यों घुटाई, क्या मतलब था? चांद हमने इसलिए घुटाई कि हमारी सरकार जो मांगे 11 सूत्री हैं, मांगे माने को तैयार नहीं है, और हम लोग पूरे आल यूपी में जो हमारा जिला मुख्यालय धरना चल रहा है, हम लोग सर घुटा करके विरोध करेंगे। हमारी मांगे नहीं मानेगी, सर घुटा करके विरोध करेंगे।
अच्छा, ये क्या प्रमुख मांग बताइए, 11 में से प्रमुख मांग कौन सी है? प्रमुख मांग हमारी है सभी विभागों में, चतुर्श्रेणी विभाग कर्मचारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, सभी का पदोन्नत हो रहा है। हमारे कर्मचारियों का पदोन्नति सरकार नहीं देने को तैयार है, और हम लोग उस पदोन्नति लेके तैयार रहेंगे, किसी हद पर जाना पड़े करना नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर चांद घुटागे भी सरकार ने सुनी तो क्या करेंगे? तो हम लोग विधानसभा घेर रहेंगे 1 तारीख को। ये हमारा सब वो है, हमारा वो है खाना, ज्ञापन जा चुका है, सरकार नोटिस जा चुकी है, हम लोग विधानसभा घेरेंगे। अच्छा चांद घुटाने का ही आप निर्णय क्यों लिया, और भी तरीके थे आंदोलन के? सरकार चांद घुटाने का इसलिए निर्णय लिया, हमारे योगी जी जो है जब गुठी चांद में रहते हैं तो हम लोग भी गुठी चांद उनकी तरफ रहेंगे, क्या दिक्कत है? हम लोग काम करेंगे, और सड़कों पर लेटना पड़े, जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े, मांगे मनवा के रहेंगे।